हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है कि गाड़ी में हेडलाइट के लिए रिले क्यों लगाते हैं और कैसे लगाते हैं। जैसे मैंने यहाँ अपनी गाड़ी में लगा रखी है हेडलाइट के रिले, तो क्यों लगाते हैं चलिए वो बताता हूँ। जैसे गाड़ी में स्टॉक बल्ब आते हैं, यानी जो कंपनी देती है 60x55 वॉट, डिसेंट लाइट देते हैं, कुछ खास नहीं देते। लेकिन अगर आपको अपग्रेड करना होता है तो आप रिले का यूज़ करते हैं। जैसे मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ हेला के 130x90 वॉट, अच्छी लाइट देते हैं, स्टॉक बल्ब के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी लाइट देते हैं, लेकिन थोड़ी येलोइश लाइट आती है, मुझे नहीं पसंद थी। स्टॉक बल्ब के कंपैरिजन में इस बल्ब के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी लाइट देते हैं, तेज़ लाइट देते हैं। लेकिन फिर मैंने अपग्रेड किया फिलिप्स 130x100 वॉट, सिर्फ 10 वॉट का फ़र्क था। तो मैंने क्या करा कि 130x90 के लिए जो रिले लग रही थी, मैंने उसी में लगा दिया फिलिप्स का 130x100 के बल्ब। इस रिले में मुझे लगा 10 वॉट का फ़र्क है, क्या ही फ़र्क पड़ेगा, लगा देता हूँ इसी रिले में। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि 10 वॉट के फ़र्क से क्या हुआ। ये है उस 10 वॉट का फ़र्क, 130x90 में लगा दिया 130x100 का। तो ये एक साइड का सॉकेट ही फ्यूज़ हो गया बल्ब का, और एक साइड का बल्ब भी बंद हो गया। तो यहाँ होता है रिले का काम। जब आप लिमिटेड वोल्टेज से एक्स्ट्रा वोल्टेज में जाते हैं तो वहाँ रिले का काम होता है। और ये रिले भी थोड़ा फूल गई है, बल्ब आपको दिखेगा नहीं, फील हो रहा है, तो मतलब ये भी ख़राब हो गई है। तो अब जो रिले ख़राब हो गई उसके साथ तो चलना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि कभी भी धोखा दे सकती है। तो मैंने कुछ टाइम के लिए स्टॉक वायरिंग वही लगा दी, वही 60x55 वॉट, क्योंकि चलती गाड़ी की रिले ख़राब हो गई थी। तो आप जो मैं नई रिले लगाने वाला वो है मिंडा की 130x100 वॉट, दूसरी साइड पे लिखा हुआ है। तो ये जब भी रिले लें तो देख कर लेना कि कितने वॉट की ले रहे हो। मिंडा जाना पहचाना नाम है, तो मैंने सोचा कि किसी और कंपनी में क्यों जाना, मिंडा के ले लेता हूँ। तो चलिए इसके अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि अंदर क्या कुछ है। पैकेजिंग ठीक ठाक है, अच्छी है, देख के लग रहा है कि हाँ जेन्युइन है, क्योंकि रैपिंग भी ठीक है, अंदर पेपर भी है, शायद कुछ लिखा होगा कि कैसे लगानी, वायरिंग डायग्राम ही होगा, जिप टाई भी है। ज़्यादा कुछ नहीं है रिले के बारे में लिखा हुआ है। वायरिंग मुझे रिले की काफ़ी सही लगी, काफ़ी अच्छी है क्वालिटी। यहाँ लिखा हुआ है 12V/30A कनेक्शंस, एंड ये इसका सॉकेट। एक चीज़ आपको बताता हूँ, जब रिले लें तो इसे दबा कर देखें कहीं पीछे से निकल तो नहीं रहा है। तो रिले की वायरिंग की शुरुआत मैं बताता हूँ कहाँ से करनी है। आपको एक मेल सॉकेट आएगा वायरिंग के अंदर ही, और एक साथ में इसके फ्यूज़, ये सॉकेट। तो शुरुआत बताता हूँ कैसे करनी है, ये तो बल्ब में लगेगा। शुरुआत यहाँ से करनी है, गाड़ी की लेफ्ट साइड जो बैटरी वाली साइड है, वो हेडलाइट के बल्ब से ये सॉकेट निकालना है, और उसमें से ये वाला मेल सॉकेट लगाना है। सबसे पहला स्टेप यही है, यहीं से शुरुआत करनी है। उसके बाद ये तो बल्ब में लगेगा, ये तो बाद में लगा सकते हैं, ये अर्थ में लगेगा ब्लैक वाला। अब रिले को लगाना है बॉडी में, इंजन बे में, कहीं भी लगा दो, लेकिन हो सके तो बैटरी के साइड में, ऐसी जगह में लगाना कि अगर वायर मुड़े तो सॉकेट के अंदर से ना निकले, क्योंकि वायर मुड़ने पे निकल सकती है। ज़्यादा टाइट नहीं करना है, नॉर्मल करना है। अब एक साइड का हो गया, अब दूसरी साइड की वायरिंग करते हैं। अभी टेम्परेरी लगा रहा हूँ, परमानेंट करूँगा बाद में। ये रेड वाला वायर जो बैटरी के पास है, इसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में लगाना है, लेकिन सबसे लास्ट में। एक्स्ट्रा वायर जितनी भी बची है अच्छे से जिप टाई से साइड में रखना है, ताकि इंजन के आसपास ना जाए, हीट ना जाए इंजन के इसके आसपास। अर्थिंग, हमेशा आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप अर्थिंग करें तो अर्थिंग एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए, नट के अंदर लूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अर्थिंग वीक हुई तो बल्ब की लाइट कम हो सकती है, एक साइड का तेज़ एक साइड का कम। उसका रीज़न यही होता है कि अर्थिंग वीक है, एंड जहाँ पे भी आप अर्थिंग दे रहे हो वो पार्ट पेंटेड नहीं होना चाहिए। अब सबसे लास्ट में आता है ये रेड वाला वायर जो रिले से आ रहा है, इसे लगाना है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में, और ये सबसे लास्ट में लगाना होता है, क्योंकि फालतू में आप अगर इसे पहले लगाओगे
बाद में फिर आप अर्थिंग करें तो स्पार्क हो सकता है थोड़ा बहुत, तो इसे सबसे लास्ट में लगाना होता है। और बैटरी टर्मिनल को हमेशा बिल्कुल टाइट करें, क्योंकि अगर टर्मिनल लूज़ हुआ तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ सकती है या स्पार्क कुछ भी कर सकता है। सो बी ऑन द सेफर साइड, नट को हमेशा टाइट करना है बैटरी वाले को। तो जैसे ही टाइट किया, वायरिंग डन, एंड रिले लगाना काफ़ी आसान है, आप इसे खुद भी लगा सकते हो।